आज के इस कार्यक्रम में योग प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज 21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का यह अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 170 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योग आसन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं, वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 170 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मित्रों, आज का यह दिन मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। आखिर मानवता, इंसानियत, एक ऐसा गुण है व्यक्ति का, अगर मानवता निकल जाए तो व्यक्ति पशुता के समान है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहाँ हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कई कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज हम भिवानी में कर रहे हैं। इसी समय दो कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री आज वो भी उपस्थित हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, केंद्रीय दो मंत्री, एक मंत्री हमारे राखीगढ़ी में श्री कृष्णपाल गुर्जर, वो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, वो इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। तो इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ जनता का उत्सव की तरह है जो मनाया जाने वाला, एक अनूठा एक ये कार्यक्रम है। तो मैं पुनः दुनिया को इस दिए जाने वाले उपहार के लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। और एक अंत में मुझे एक घोषणा भी करनी है आपके सामने। आजकल देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे प्रयोग धर्मी हैं, बहुत नए नए योजनाएं, नए प्रयोग करने के लिए और उनको महारत हासिल है। देश का भविष्य कैसे सुधरे, उसमें बहुत से उन्होंने काम किया। एक अभी जो काम किया है वो है सेना में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हो, आज के हिसाब से कैसे, यानी सेना को हम उसको कैसे युवा अवस्था में लाएं, एवरेज कैसे कम करके आए, टेक्निकल आधार पर अपनी सेना को कैसे सुसज्जित करें, आज टेक्निकल जमाना है। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। एक प्रयत्न पिछले 14 तारीख को उन्होंने जो घोषणा की थी देश के रक्षा मंत्री जी ने, वो है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना में स्कूली विद्यार्थी, यानी 10वीं पढ़ने वाला, 11वीं पढ़ने वाला, 12वीं पढ़ने वाला, या पास करने के बाद 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक, ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के, यानी अग्निपथ योजना में जाके अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में एक विवाद बना है। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे लेकिन 4 साल के बाद
75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहाँ जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, ये कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। तो ये 4 साल में वो जो नौजवान है, जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर मन बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में बाकी जगह में, यहाँ हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने 1-1 साल तक, लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60-65-70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसके हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटेड उसको जरूर मिलेगी। इसलिए इस बात की घोषणा यहां से करते हुए मैं अपने आज के इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं।